यहां पर आप देख सकते हैं कॉनराड संगमा को शपथ ग्रहण करवाया जा रहा है, तस्वीरें आपके सामने रिमांड। That I will uphold the sovereignty and integrity of India. That I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Chief Minister for the state of Meghalaya, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Conrad Sangma, do solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chief Minister for the State of Meghalaya, except as may be required for the due discharge of my duties as Chief Minister. यहाँ पर पढ़े हैं, BBA इन्होंने किया है वॉटन से, MBA किया है इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से, इससे पहले ये विधायक रह चुके हैं 2008 में जी। और ये जो गए थे शिलोंग गए थे, जो इस बार मेघालय गए थे, सांसद हैं ये, तो सिर्फ एक बैग और दो शर्ट लेकर गए थे अभी सर, और इनको 40 साल की उम्र है इनकी जी, और इनको उम्मीद नहीं थी कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, तो ये तो कहे कि मैं तो सिर्फ दो शर्ट लेकर आया था, मुख्यमंत्री बन गया हूँ। तो 40 साल की उम्र के हैं, मंत्री रह चुके हैं, इससे पहले एनसीपी की तरफ से विधायक चुने गए थे, फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, टूरिज्म मिनिस्टर रह चुके हैं, चुनाव हारे 2013 में, और एक तरीके से वहां के रामविलास पासवान हैं, क्योंकि जब ये चुनाव जीते थे 2016 में तो वो वहां का रिकॉर्ड है, 1,90,000 वोटों का जो रिकॉर्ड है, ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है मेघालय में, वहां पर आबादी कम रहती है जाहिर है, तो ये एक रिकॉर्ड इनके नाम पर है। उनके बेटे हैं, उनके बड़े भाई के साथ ये अपने पिता की पार्टी चलाते हैं, आप जानते हैं कि इनकी बहन जो है अगाथा, वो भी केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं। बिल्कुल, अच्छा, पिता और बहन दोनों का राष्ट्रीय सियासत में दखल था। पीए संगमा जो हैं स्पीकर थे, लोकसभा अध्यक्ष थे, मगर राष्ट्रीय सियासत में भी एक तरह से उनकी पैठ थी, तमाम मुद्दों पर वो एक तरह से उनकी मौजूदगी रही है, पीए संगमा की भी। उनके बेटे ने खुद को राज्य की सियासत तक सीमित रखा? नहीं, पहले तो वो एमपी थे, सांसद हैं, ये संसद है तूरा में, जो पुन्ना संगमा का मौत का बाद जो इलेक्शन हुआ वो रिकॉर्ड मार्जिन में जीते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर थे और ये काफी एक्टिव थे मेघालय पॉलिटिक्स में जी। ये नहीं कि वो सिर्फ मेघालय तक सीमित थे, वो एनपीपी का प्रेसिडेंट है, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है। तो इन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस की बात इन्होंने कही, इन्होंने कहा ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता की बात इन्होंने कही, और उन्होंने कहा कि जो केंद्र की नीतियां हैं उनको लागू करने में वहां काम करेंगे। ठीक है, ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।